22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम में देश दुनिया के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह कई मायनों में अद्वितीय और अनोखा होगा। इस श्रृंखला में नागपुर से अयोध्या भव्य कढ़ाई जारी है, जिसमें हलवा बनाया जाएगा। इसी के मद्देनजर हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है सुप्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहरिन से। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों के आयोजन पूरे देश भर में किए गए। उसी श्रृंखला में खास शेफ विष्णु मनोहर इनकी ओर से जो है बड़ी कढ़ाई बनाई गई है, जिसे हनुमान कढ़ाई नाम दिया गया है। उसी के बारे में उनसे जानते हैं कि क्या इस कढ़ाई का वजन कितना है, कितनी बड़ी ये कढ़ाई है और इसमें क्या बनाने वाले हो आप, क्या बताओ? देखिए, 2000 किलो की कढ़ाई है, हलवा इसमें बनेगा और ये कढ़ाई उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता है। कढ़ाई बनाने के लिए स्टील, कॉपर और लोहा तीनों का इस्तेमाल किया गया। 15,000 लीटर कैपेसिटी है, 15 फीट इसका डायमीटर है। यहाँ की सबसे बड़ी कढ़ाई इसे कहा जा रहा है, तो क्या मतलब इसे किस तरह से लिया, मतलब वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और वो कढ़ाई वापस नागपुर आने वाली है या वही रहने वाली? ये विशेष रूप से बनाया गया एक ट्रक में जाएगी, ये कढ़ाई वापस नहीं लाएंगे। हमारे पूरी परिवार की ओर से, नागपुर वालों की ओर से ये कढ़ाई जो है राम मंदिर न्यास को ही वहाँ पे रखी जाएगी और हर साल इसमें हलवा बनाएंगे। थैंक यू। तो जिस तरह से हमने देखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में नागपुर से भी दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई जो है अयोध्या जाएगी और इस साल हलवा यहाँ बनेगा और हर साल इसमें इस दिन हलवा बनना प्रसाद के रूप में बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।